तो गाइज अब सभी को मैं बता दूं कि आज का वीडियो जो होने वाला है वो यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन के बारे में होने वाला है। एंड आज की डेट में मैं जानता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच गए हैं, बट आज के डेट में मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मैं नया लाने वाला हूँ। बिना वक्त बर्बाद हुए आज के इस वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा। एंड स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता देता हूँ, आप अगर इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऐसी बहुत धमाकेदार कंटेंट के लिए लाइक बटन कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ। एंड आपको अगर कोई भी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए होगा या फिर कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग पर वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड मैं उसी के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इन फ्यूचर में मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो रहा है। एंड इन फ्यूचर में मैं बहुत ही एक सीरीज टाइप का लाने वाला हूँ, ठीक है। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखोगे तो इन फ्यूचर में आप लोगों को इसी चैनल से मतलब पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का एक कोर्स आपको मिल जाएगा। मतलब एक एक वीडियो पे एक एक चीज़ मैं सिखाता जाऊंगा, एंड अब सभी को थोड़ा थोड़ा करके वो नॉलेज होता जाएगा, एंड थोड़ा थोड़ा करके आप कमा भी सकते हो। ऐसे छोटा छोटा करके मैं स्टोरी भी डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी देख सकते हो कि कैसे मैं अर्न करता हूँ, एंड कैसे मैं अपने जो पैसिव मनी है कैसे मैं अर्न करता हूँ, कैसे पैसिव मनी जनरेट करता हूँ, बहुत सारा ऐसा वीडियो है आप देख सकते हो। एंड यूट्यूब पे भी शॉर्ट है आप देख सकते हो। एंड इन फ्यूचर मैं वीडियो लाने वाला हूँ तो उसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक प्लीज़ कर दीजिए। तो बिना वक्त गवाते हुए मैं इस वीडियो की तरफ, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एंड आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, मैं आप सभी को कंप्यूटर स्क्रीन पर लेने वाला हूँ अभी के अभी, एंड आप सभी को दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो, यह है हमारा आज का प्रेजेंटेशन। हम लोग आज सीखने वाले हैं यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन जो है, यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग्स है कि पूरा का पूरा यूट्यूब का सेटअप, मतलब यूट्यूब का चैनल का जो सेटअप है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। देखिए गाइज, आप आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, कुछ दिनों बाद जब आप मतलब छोटा सा मतलब आप बड़े यूट्यूबर हो जाओगे तो तभी आपका एक फेस वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे कैडमी नाटी हो गया, आशीष चंचलानी हो गया, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड बहुत सारे यूट्यूबर है। तो आप जब इन फ्यूचर में कभी ऐसा बड़ा यूट्यूबर बन जाओगे तो आपका फेस वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए एक ब्रांड, एक नाम को एक ब्रांड का रूप देने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑप्टिमाइजेशन करना, मतलब प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना, ठीक है। तो उसी के लिए आज का वीडियो है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो है, मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो है, डू वॉन्ट टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल लाइक मी। मैंने भी अभी स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, मैं पहले ब्लॉग करते थे चैनल पे, तो ब्लॉग के बारे में मैंने थोड़ा सा मतलब ब्लॉग स्टॉप किया है, उसके नेक्स्ट चैनल ओपन करूँगा तो वो चैनल में ब्लॉग आएगा, वो फ्यूचर का प्लान है। बट अभी के लिए मैं नया यूट्यूबर हूँ आप लोगों की तरह, तो मैं इसी तरीके कंटेंट लाने वाला हूँ इन फ्यूचर में, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एक प्रॉपर मेंटरशिप आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई भी वक्त जो है वो मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एंड वेलकम गाइज, तो आज के लिए मैं आपका होस्ट हूँ, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ पूरा का पूरा जो यूट्यूब कोर्स है, पूरा का पूरा जो सेटअप है, प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट लेके मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये देखिए गाइस, तो हमारा आज फर्स्ट पॉइंट है, जो पॉइंट्स आपको नोट करना है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप नोट पैड लेके बैठे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि हाउ टू क्रिएट अ लोगो, ठीक है। तो लोगो कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए तो बहुत बड़ा वीडियो चाहिए, तो मैं आज का वीडियो उतना ज़्यादा खींचने नहीं वाला, बट आपको छोटा सा मतलब एक नॉलेज देने वाला हूँ कि कैसे आप इजीली लोगो बना सकते हो, ठीक है गाइस। तो मैं ले चलता हूँ हमारे कैनवा के ऊपर। गाइस इसको अपना दोस्त बना लो, ठीक है। कैनवा, आप अगर यूट्यूबर हो तो आप मतलब कैनवा को आप खुद का दोस्त मान लो, क्योंकि कैनवा ही आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है यूट्यूब लाइफ में, ठीक है। मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है। तो कैनवा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बढ़िया एक एप्लीकेशन है, जहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पहले ही बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा काट क्यूट कर, थोड़ा सा मतलब कुछ अपना जो क्रैम होता है वो दिखा कर, तो थोड़ा सा आप खुद का बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना लोगो बनाया, ठीक है। तो वो भी मैं कैनवा से ही बनाया हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, बट वो भी मैं कैनवा से बनाया हूँ। जो कार्टूनिस्ट जो है वो मैं दूसरा कोई वेबसाइट से कराया हूँ, तो वो मैं इन फ्यूचर कोई वीडियो आप मतलब आप लोग अगर डिमांड करते हो तो इन फ्यूचर मैं बताऊँगा। लेकर चलते हैं, एंड अभी मैं सर्च कर लेता हूँ कि लोगो, यूट्यूब लोगो, ओके। लोगो मैं सर्च कर लिया कैनवा के ऊपर, आप देख सकते हो। ये देखो गाइस कितना सारा यहाँ पर लोगो है, आपका चैनल किसी भी ऊपर है, देख सकते हो गाइस। ये जो प्रो है ना, तो कैनवा प्रो खरीद, मतलब मैं तो अब छोटा यूट्यूबर हूँ ना, तो मेरा उतना पैसा नहीं है, तो मेरे पास प्रो तो नहीं है, बट प्रो के अलावा भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे तो सब लोगो यहाँ पे पसंद आता है, ऐसा कोई लोगो नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। गाइस आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लोगो यहाँ पे, आप मतलब खुद का एक नीचे नाम ले सकते हो, एंड किसी दूसरा लोगो मतलब जैसे कि मैंने आज के लिए मैं समझ लिया, ठीक है, कोई कोई मतलब जो भी यूट्यूबर हो, जो भी मतलब जो भी यूट्यूबर हो, तो आज के एक मैं मतलब वो देने के लिए मैं एक लोगो ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है।
कौन सा, ओके गाइज मैं एक लोगो चुन लेता हूँ अभी के अभी जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ओके गाइज चलिए आज का जो लोगो, मैं मुझे बढ़िया कोई लोगो तो मेरे आंखों पे नहीं लगने वाला है, जितना देर तक मेरे आंखों पे नहीं लगता है तो मैं मतलब वो नहीं दिखाता आप सभी को। तो अभी तक तो मतलब मेरे आंखों में कोई भी नहीं लगा, ठीक है गाइज। तो चलिए अब मैं ये लोगो ले लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लोगो, नाम के ऊपर लोगो है, कुछ भी नहीं है, पूरा सिंप्लीफिकेशन। और एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना, लोगो पे सबसे बढ़िया चीज़ है सिंप्लीफिकेशन। जितना सिंपल रखोगे अपना लोगो, जितना ब्रांडिश रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होने वाला है इन फ्यूचर पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लोगो, ठीक है। इसके ऊपर आप अपना खुद का नाम देके या फिर आपका खुद का गेमिंग चैनल है तो ये सब लोगो आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोगो है, गेमिंग चैनल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा देख देख सकते हो गाइस। यहाँ पे साइड पे कितना ज़्यादा बढ़िया बढ़िया लोगो है यहाँ पे गेमिंग चैनल के लिए। तो जो लोग गेमिंग के लिए चैनल ओपन करने वाले हो या फिर फेसबुक के लिए, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ यहाँ पर है। तो फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन में इन फ्यूचर में आएगा, जब मैं कोर्स लाने वाला हूँ इन फ्यूचर में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें फेसबुक भी रहेगा तो आप देख लेना वहाँ पे। फेसबुक वाले पूरा का पूरा मैं बता देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोगो कितना अच्छा है, कितना फ्रंट से लिखा हुआ है एंड बहुत ही मतलब ब्रांडिश तरीके से, मतलब ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ब्रांड फैशन। क्योंकि फैशन का चैनल ओपन करने वाला है तो ये लोगो उसके लिए बेस्ट है, मैं तो सजेस्ट करूँगा ये लोगो, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू क्रिएट अ बैनर। तो गाइस मैंने जो बोल दिया आप सभी को पहले ही कि गाइस आपका जो कैनवा है ना वो आपका दोस्त बनने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली लोगो काट दो, लोगो को काट के यहाँ पे सर्च कर लो YouTube बैनर मैंने सर्च कर लिया, YouTube चैनल ऐप पे मैंने टैप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये जितना भी गाइस, मतलब जितना भी आप देख रहे हो, जितना भी आप यहाँ पे सामने मेरे देख रहे हो स्क्रीन पर, वो सब चैनल के बैनर है, ठीक है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ गाइज यहाँ पे बहुत चैनल के लिए अलग अलग सा बैनर है, फिटनेस के लिए ये सब बैनर है एंड म्यूजिक चैनल के लिए ये बैनर है। ये तो प्रो में है तो वो खरीदना होगा वाकई, बट आप सभी को मैं बता दूँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया बढ़िया बैनर है। तो आपका जो बैनर आप खुद का चैनल के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बैनर आप ले लीजिए, ये बैनर आपका चैनल पे, आपका व्लॉग चैनल हो तो आप कोई ऐसा सीनैरियो वाला बैनर लगे जो सिनेमैटिक देखने लगे एंड आपका एक फोटो लगा दीजिए साइड में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए मैं एक मतलब प्रॉपर के लिए मैं ये बैनर ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो पहला मतलब यूट्यूब चैनल का बैनर था ना तो वो भी यही था, मैंने यही से लिया था। तो आप देख सकते हो ये फिटनेस का एक बैनर है, ठीक है। आपका जो फ़ोन है ना, आपका फ़ोन में जो दिखने वाला है यूट्यूब का, आप देख सकते हो कि यूट्यूब में जो बैनर होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब फ़ोन पे लिए एक अलग सा स्पेस हुआ रहता है, लैपटॉप के लिए एक अलग सा स्पेस एंड जो टीवी में यूट्यूब चलाते हैं उसके लिए पूरा स्पेस, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो मैं चैनल पर जाता हूँ, ठीक है। चैनल पे जाने के बाद मैं जाता हूँ स्टूडियो पे, सेटिंग पे। मैं सेटिंग पे जाने के बाद आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कस्टमाइज चैनल पे मैंने क्लिक कर दिया। कस्टमाइज चैनल पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा चैनल लोड हो रहा है, इतना देर क्यों हो रहा है मुझे तो पता नहीं आज नेटवर्क का क्या हो गया। ओके गाइस देख सकते हो यहाँ पे ब्रांडिंग पे हम जाएंगे, लेआउट जो होता है वो मैं बाद में आने वाला हूँ, लेआउट क्या होता है इसके बारे में वो उतना ज़्यादा मतलब खास नहीं है लेआउट वाला, मैं ब्रांडिंग पे जाता हूँ। ये देखिए गाइस ये है मेरा लोगो, ठीक है। ये आप देख सकते हो गाइस ये मेरा लोगो है चैनल का, ये बैकग्राउंड जो है मैंने कैनवा से लिया है, ठीक है। एंड ये जो मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया मैंने ये फोटो के साथ कार्टूनिस टाइप का, तो वो मैंने किसी और वेबसाइट से किया हुआ है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैं इन फ्यूचर में बता दूंगा आप लोगों को। ये इसको बोलते हैं गाइस बैनर, ठीक है। तो गाइस मैं इस बैनर को अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं अपना खुद का बैनर एक बार फिर से आपको देकर दिखा देने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे मेरा जो बैनर है, मैं चला जाऊँगा डाउनलोड पे, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही मतलब मैंने वो सब तो क्या कर दिया हुआ है। एंड देखिए गाइस ये मेरा बैनर, ठीक है। ये होता है ऐसा, आप इसी को काटिए मत, छोड़िए मत। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि विजिबल ऑन ऑल डिवाइसेस, मतलब मोबाइल पे दिखने वाला है ये पूरा, ठीक है। जो मोबाइल पे हमारा चैनल देखेगा तो वो उसको पूरा दिखेगा, ये जो है पूरा दिखेगा उसको, ये जो मैक्रोनी लिखा हुआ है पूरा दिखेगा। ये जो व्यूबल ऑन टीवी का मतलब क्या है, जो लोग स्मार्ट टीवी पे यूट्यूब चलाते हैं उसके ऊपर ये दिखेगा, पूरा का पूरा जो स्क्वायर टाइप का बैनर बना है वो पूरा का पूरा दिखेगा। एंड डेस्कटॉप में दिखेगा इतना, मतलब डेस्कटॉप में आपको दिखेगा इतना सा, ठीक है, जो आपको साइड में दिख रहा है पूरा का स्क्रीन उतना सा आपको डेस्कटॉप में दिखेगा।
एंड पूरा जो विजिबल ऑन टीवी है पूरा ये स्क्वायर वाला फीट आपको टीवी पे दिख जाएगा, ठीक है गाइस। तो मैं इसको कैंसिल कर दिया एंड चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपको समझ आ गया होगा कि बैनर कैसे बनाने हैं। एंड मैं चलता हूँ कैनवा के ऊपर, ये देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया ये है लैपटॉप का, ये है मोबाइल का एंड ये है पूरा मतलब टीवी के लिए, स्मार्ट टीवी के लिए। तो इसमें आप अपने हिसाब से मतलब कर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे कि लिख दिया मैक्रोनी, मेरा चैनल का नाम है, ठीक है, मैक्रोनी मैंने लिख दिया मैक्रोनी। एंड यहाँ पे मैंने जो हमारा कोटेशन होता है उसको मैंने लिख दिया लेट्स अर्न टुगेदर, लेट्स अर्न टुगेदर, ठीक है गाइस, मैंने लिख दिया यहाँ पे, देख सकते हो। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, थोड़ा सा गैप दे दूँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा एलिमेंट्स पे जाके स्क्वायर, स्क्वायर मैंने सर्च कर दिया, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया स्क्वायर आ गया। तो मैं एज एन एग्जाम्पल मैं ये वाला स्क्वायर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर को मैं करूँगा छोटा, ठीक है। छोटा करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करने के बाद ये थोड़ा ऐसा दिखेगा। एंड मैं क्या करूँगा, ये जो मैक है ये अंदर बाहर रहेगा एंड जो स्क्वायर है अपना वो रहेगा अंदर, ठीक है। स्क्वायर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके गाइस, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो गाइस कैसा कितना अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही सिंपल। एंड मैंने छोटे तरीके से एक स्क्वायर को वहाँ पे दे दिया, मैक को अलग कर दिया, रॉनी को अलग कर दिया, तो थोड़ा सा मतलब क्रिएटिव दिखता है वो लोगों। तो आप अपने हिसाब से बैनर बना सकते हो, बैनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैनल के लिए, क्योंकि गाइस कोई मतलब आपके चैनल पे कोई विजिट करेगा, ठीक है गाइस, वो आपका एसेट है, वो आपका लव है, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल मेरा लव है। तो कोई भी वो चैनल विजिट करेगा तो उसको मतलब एक कोई फेस वैल्यू के ऊपर कोई भी डाउट नहीं जाना चाहिए कि ये बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि मुझे सब बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं वैसा नहीं मानता, अपने ऊपर बिलीव रखो गाइस। मैं आपको बोलता हूँ कि आप चैनल स्टार्ट कीजिए, ठीक है, मैं इन्फ्यूजन में पूरा यूट्यूब का कोर्स लाने वाला हूँ, मेरे साथ साथ आप स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ साथ ही आप ग्रो कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको भी हेल्प हो जाएगा एंड मेरा वीडियो जो देखेंगे आप उससे आप सीख भी पाएंगे एंड आपका चैनल पर भी हेल्प हो जाएगा। तो बैनर कैसे बनाना है, मैं तो वेबसाइट बता दिया कि कैनवा से आपको बैनर बनाना है, पूरा का पूरा बैनर आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमारा नेक्स्ट स्टेप की ओर एडवांस सेटिंग, जो यूट्यूब का एडवांस सेटिंग है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा मैंने बता दिया, ये हमारा यूट्यूब का चैनल एंड ये है हमारा यूट्यूब का एडवांस सेटिंग जो है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। एडवांस सेटिंग क्या होता है गाइस, ये थोड़ा सा मतलब आप यहाँ पर आ जाइए YouTube स्टूडियो पर, दिस सेटिंग पर मैंने आ गया, ठीक है। एंड चैनल पे आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे आपको बस टैगिंग करना है, आपको जो भी जिस कंटेंट के ऊपर आप वीडियो बनाते हो उसके ऊपर टैगिंग करना है। एडवांस में आपको ये आई वांट टू सेटिंग दिस इस पर रखना है एंड कुछ भी नहीं चेंज करना है यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं छेड़खानी करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंजेस करना है। एंड फ्यूचर पे आपको सब कुछ अगर इनेबल होगा तो आपको सब कुछ इनेबल दिखेगा, तो आपको पूरा का पूरा इनेबल कर देना है, ठीक है। एंड और कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़खानी करना है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो होता है हमारा टाइटल। तो गाइस ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये डिस्क्रिप्शन किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डालोगे तो आपका हर वीडियो में ये मैन्युअली पुट हो जाएगा। मतलब अब जो आप वीडियो मतलब हर हफ्ते पर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो वीडियो पे ना आपको मैनुअली वो लिखना नहीं पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, आप सिर्फ यहाँ पे अपलोड कर दो। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप पूरा जो वीडियो मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट करते जाओगे तो वीडियो में ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन आता रहेगा, और उस वीडियो के बारे में जब नया कंटेंट लाने वाले हो थोड़ा सा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, ताकि आपको उतना सा भरा कॉपी करके पेस्ट ना करने पाए। तो आप यहाँ से देख सकते हो, टाइटल को छोड़ दो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है एंड आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर देना है कॉपीराइट क्लेम का, मतलब किसी भी तरह से आपका चैनल पे जो कॉपीराइट है ना वो नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम का जो है वो आप डालिए हर वीडियो में डालिए आप, ठीक है। कॉपीराइट क्लेम का जो हमारा मतलब डिस्क्लेमर होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ये आपको पब्लिक रहना है, यहाँ पर टैगिंग आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हर वीडियो में आप मतलब नया नया कुछ कंटेंट लाने वाला हो तो टैगिंग आपको मैनुअली करना होगा, ठीक है। तो टैगिंग आपको वहाँ से ही करना है। एंड एडवांस सेटिंग में बता देता हूँ कि ये जो है ना स्टैंडर्ड सेटिंग यूट्यूब लाइसेंस, ये आपको वही रखना है। अगर आप कोई भी मतलब गाना या फिर जैसे कि NCS हो गया, NCS क्या करता है तो उसका कोई मतलब वो किसी को कॉपीराइट नहीं देता, बट वो वीडियो बनाते हैं मतलब नया नया गाना लाता है, वो गाना दूसरा कोई यूट्यूबर अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर सकता है। मैं भी NCS का गाना यूज़ करता हूँ,
तो गाइज इसी के लिए मैं बता देता हूँ कि आपका वीडियो कंटेंट अगर दूसरा किसी को आप यूज़ नहीं करने देता मतलब देना चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड पे रखने दीजिए ये, ठीक है, क्योंकि ये आपका यूट्यूब का खुद का लाइसेंस है। कैटेगरी के आप नैन कर दीजिए क्योंकि ये उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, आप नैन कर सकते अभी के लिए जब स्टार्टिंग कर रहे हो नैन ही रखने दीजिए ताकि आपका व्यूज़ ज़्यादा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लैंग्वेज कुछ भी नहीं सिलेक्ट करें, अगर आपका वीडियो में मतलब कुछ भी आप देना चाहते हो कि आपका जो कैप्शन होता है वीडियो पे, आप अगर कैप्शन देना चाहते हो तो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नन रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। तो मैं हुआ चैनल को होना तो एक ही है यहाँ पे, आप चाहो तो आपका जो बहुत बड़ा जो यूट्यूब चैनल होता है ना तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे कि मैं एक चैनल को फॉलो करता हूँ, मैं उस चैनल का नाम लेना चाहूँगा, वो है वेबसाइट लर्न। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे उन लोगों का जो कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, वो होता है वेबसाइट लर्नर। तो वो लोग का ना बहुत लोगों मिलकर वो चैनल चलाते हैं एंड वो चैनल पे नया नया कंटेंट लाते रहते हैं। ये कम्युनिटी गाइस, ठीक है, कम्युनिटी पे आप कुछ भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप खुद का देख सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं लगता, अभी तक मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पे कुछ भी नहीं किया शेरखानी, क्योंकि अभी भी मैंने स्टार्ट किया तो मुझे वीडियो बनाना है अभी। तो गाइज ये है मेरा मेन मोटिव कि मुझे अभी वीडियो बनाना है, मुझे कंटेंट लेने वाला ताकि मेरा कंटेंट से कोई और 5-10 लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आज ही यूट्यूब ओपन कर जाऊँ एंड आज ही मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हो जाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट से और 5-10 लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है गाइज। तो चलते हैं बढ़ते नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के में क्या है कि डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है, मैंने वो कवर कर दिया ऑलरेडी कि डिस्क्रिप्शन में आपका खुद का जो वीडियो कंटेंट है उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि आपका जो वीडियो है वो किसके ऊपर है, आपका वीडियो का टैगिंग, आपका वीडियो का पूरा जो मतलब पूरा का वीडियो जो आपका जिस कंटेंट के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो तो वो टैगिंग आपको देना है, ठीक है। एंड आपका जो लास्ट स्टेप बचा रहता है वो है कि हाउ टू फाइंड कंटेंट्स। ये है गाइज मेन स्टेप कि जहाँ पे आके मतलब बंदा रुक जाता है कि आप बोल रहे हो कि मतलब वीडियो बनाने के लिए आप बोल रहे हो कि वीडियो क्रिएट करो बट कंटेंट कहाँ से लाए। तो गाइज इसी के लिए मैं हूँ ना, तो मैं इसी के लिए बहुत ही बढ़िया एक वेबसाइट लाने वाला हूँ, ठीक है। मैं चलता हूँ answerthepublic.com पे, तो यहाँ पर मैं हूँ answerthepublic.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि आप समझ लो कि आपका वीडियो है, ठीक है, अर्न मनी के ऊपर, तो मैं अर्न मनी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, अर्न मनी लिख के मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो अर्न मनी लिख के मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे लोडिंग हो रहा है गाइस, पता नहीं मेरा नेट कैच क्या हो गया, लोडिंग हो रहा है, देख सकते हो गाइस अर्न मनी मैंने लिख के सर्च कर लिया। ये है 25 नवंबर 2021, अभी तक जो भी लोग सर्च कर रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो गाइस कितना सारा है, यहाँ पर है व्हाट, जो लोग अर्न मनी नहीं जानते कि व्हाट इज़ अर्न मनी, जो लोग ये लिख के सर्च करें आप इतना सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, देख सकते हो गाइस कितना सारा कंटेंट है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा। देख सकते हो गाइस आर से है, विच से है, हु से है, आपको कंटेंट का कोई भी कमी नहीं होने वाला, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे 78 क्वेश्चन है जो कि है अर्न मनी के ऊपर, ठीक है, ये पर भी अर्न मनी के ऊपर YouTube से है, डेली अर्न मनी के है, ठीक है गाइस कितना सारा कंटेंट है आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे आपको कोई भी कंटेंट की कमी नहीं पड़ने वाला, ठीक है गाइस। तो बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप सिर्फ अर्न मनी मतलब यहाँ पे आ जाइए answerthepublic.com, या देख सकते हो कि 2020 अल्फाबेट्स, ठीक है गाइस। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आप मतलब आपका जो चैनल का है ना जो टैगिंग आपको होता है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। जैसे कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने जाके यहाँ पे मैंने सेव इमेज पे क्लिक कर दिया, तो गाइज वो इमेज मेरा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप खुद का टैगिंग अपना यूट्यूब चैनल पे कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो वो टैगिंग आप यूट्यूब चैनल पे कहाँ पे करोगे, तो मैं अपना एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, मैं एज एन एग्जाम्पल ये वीडियो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है गाइज। इसलिए वीडियो को मैं कर देता हूँ म्यूट और मैं चलता हूँ डिस्क्रिप्शन की तरफ। ये देखो गाइज इसको बोलते हैं टैगिंग, कि मैंने इतना सारा कि शॉपसी विड्रॉ मनी, शॉपसी अर्न मनी, शॉपसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, इसलिए शॉपसी से कैसे अर्न कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख लेना, ठीक है। या इसको बोलते टैगिंग, मैंने कितना सारा टैगिंग दिया, इतना सारा कम टैगिंग दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हैश टैगिंग दिया कि मतलब इतना सारा लोगों सर्च कर सकता है कि क्या होता है शॉपसी के ऊपर, जो भी कुछ मतलब सर्च करेगा तो उसको ये वीडियो दिखेगा, ठीक है, तो वो वीडियो देख सकता है। तो एंड आपको एक और बोनस पॉइंट आपके लिए देख देता हूँ, ठीक है, इस वीडियो पे मैं नहीं देने वाला था बट मैं आपको बता देता हूँ
कि गाइस अब इन न्यू फीचर्स के बारे में आपको पता ही होगा कि अब हम लोग अभी मतलब YouTube का मतलब जो हमारा टाइटल होता है, ठीक है गाइस, टाइटल के ऊपर हम लोग हैशटैग डाल सकते हैं। तो वहाँ पे अब मतलब शॉप से लिख रहे हो तो हैशटैग के थ्रू ही लिख दो, ठीक है गाइस, और अब एफिलिएट मार्केटिंग लिख रहे हो तो वो हैशटैग के थ्रू ही लिख दो, तो वो क्या होगा ना, वो आपका एक हैशटैग के रूप में भी दिखेगा, जो लोग वो सर्च करेंगे वो भी दिखेंगे लोगों को, एंड आपका वहाँ पे एक चैनल का जो टाइटल है वो भी बजाय रखेगा, कि आपका जो टाइटल है जो वो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है वो तो रहता ही, एंड आप अगर हैशटैग डाल देते हो तो वो एक हैशटैगिंग हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ह्यूज व्यू आ जाता है उसमें से, ठीक है। तो चलिए गाइस बढ़ते नेक्स्ट स्टेप की ओर। कंटेंट कैसे फाइंड करना है, एंसर द पब्लिक मैंने बता दिया, एंसर द पब्लिक डॉट कॉम आपका दोस्त है, एंड अभी मैंने बता दिया, ये भी मैंने आप देख सकते हो कि मैंने कितना बढ़िया तरीके से ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद बनाया है कैनवास है। आर यू रेडी टू लर्न, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट मतलब जो चीज़ें होता है ना, मैं अभी बताने वाला हूँ कि डिफ़िकल्ट चीज़ें क्या होता है। डिफ़िकल्ट चीज़ें गाइस कुछ भी नहीं होता है, एंड अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि डिफ़िकल्ट सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कि कंटेंट कैसे लाएं, ठीक है गाइस। कंटेंट कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, ये कुछ भी बराबर नहीं है, मतलब कुछ भी मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। आप answerthepublic.com पे जाइए, आपको किसी भी वीडियो के बारे में वीडियो बनाना है तो वो सर्च कीजिए, सिर्फ और सिर्फ वर्ड सर्च कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको टैगिंग मिल जाता है वहाँ से, एंड वहाँ से आप टैग भी कर सकते हो एंड खुद का कंटेंट भी ला सकते हो, कि अर्न मनी के ऊपर हो गया, ब्लॉगिंग के ऊपर हो गया, जिम के लेकर हो गया, फिटनेस के लेकर हो गया, वेल्थ हेल्थ बहुत सारा होता है। तो आपका चैनल जो थ्रू पर है, आपका चैनल पर एक एक जो नीश होता है ना, वो आपको सोच लेना है, ठीक है गाइस। एक नीश के ऊपर आपको थ्रो करना है, मतलब इधर उधर भटकना नहीं कि एक ही चैनल पे आप खिचड़ी बना दिया पूरा, एक ही चैनल पे आप यूट्यूब का वीडियो डाल रहे हो कि हाउ टू अर्न मनी, एंड वही चैनल पे आप ब्लॉगिंग डाल रहे हो, एंड वही चैनल पे फिटनेस वीडियो डाल रहे हो, तो कुछ भी नहीं दिखेगा गाइस, क्योंकि यूट्यूब को समझ ही नहीं आएगा कि आप कौन सा वीडियो डाल रहे हो, तो वो लोगों को वो प्रमोट ही नहीं करेंगे कि इस वीडियो को देखो। कोई सर्च करेगा तो अर्न मनी ऑनलाइन, तो उसको दिखेगा आपका चैनल, क्योंकि आपका मेरा चैनल है अर्न मनी ऑनलाइन। मैं इस वीडियो में जिम का वीडियो डालने लग जाओ, या फिर मैं जब जिम जाता हूँ तो उसका वीडियो डालने लग जाओ, या फिर मैं व्लॉगिंग डालने लग जाओ, तो वो लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है गाइस। तो वो यूट्यूब समझ नहीं पाएंगे कि वो मतलब ये बंदा कर रहा है तो क्या वीडियो पोस्ट कर रही है, इसका मोटिव क्या है। तो इसी के लिए मैं इसी है डिफ़िकल्ट चीज़ की, आपको नीश मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से चुनना है, ठीक है गाइस। एंड चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप और कुछ भी नहीं है, आपका पूरा यूट्यूब कोर्स यहाँ पर ही कंप्लीट होता है, एंड जो भी वीडियो बनाने हैं वो आप खुद के ऊपर है, आपका खुद का जो मतलब कम्युनिकेशन स्किल है, खुद का आपका जो मतलब बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना होता है गाइस यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। अब देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आज का वीडियो मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ, ठीक है। एंड आपको बता देता हूँ कि आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो, एंड कोई भी स्टेप समझने में आपको दिक्कत होता है तो वो मैं मतलब आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं नहीं बता सकता, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा SMS आता है, एंड मैं ढूंढ नहीं पाता हूँ कि कौन सा बंदे मतलब सही में क्वेश्चन आस्क कर रहा है, तो इसलिए मैंने वो वहाँ पर ढूंढने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या फिर अब लाइक करके कमेंट कर दो तो मैं मुझे देखने में मतलब बहुत ही आसानी होगा कि कौन सा बंदा मतलब सच में उसको लगता है कि ऐसा होने चाहिए, एंड मतलब मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा, बराबर रिप्लाई दे दूंगा। एंड अभी सभी को मैं बता देता हूँ कि गाइज, एंड आपका जो कंटेंट है ना, इसके लिए मैं एक बोनस आपको बात बता देता हूँ। मैं जो फॉलो करता हूँ, खुद का चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, कि मेरा जो मतलब मार्केटिंग में मतलब आप एक चीज़ देखना कि आपका जो भी पार्टनर होता है, ठीक है, मतलब आपका जो उधर जो है, जो आप यूट्यूबर को फॉलो करते हो, उसका कंटेंट भी आप देखना है, ठीक है। मतलब आप खुद से कंटेंट नहीं लाने वाले हो तो आपका जो यूट्यूबर बहुत बड़ा यूट्यूबर जैसे आशीष चले होगा, कैरी मिनाटी होगा जिसका रोस्टिंग चैनल होगा, वो कैरी मिनाटी को फॉलो करेगा कि ये बंदा क्या करता है, मुझे देखना होगा, ताकि वो अपना वीडियो में वो कुछ इंप्रूव करके डाल सके एंड कुछ नया पब्लिक को प्रोवाइड कर सके जो कि पब्लिक को पसंद है। क्योंकि इस पब्लिक को जो पसंद ही नहीं आएगा तो पब्लिक कोई भी नहीं देखेगा। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब थोड़ा सा जो है ना, अपना जो पसंदीदा यूट्यूबर है जो आपको पसंद आता है उसका वीडियो देखो, उससे भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, एंड आपको कोई भी चीज़ समझने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड लोगो कैसे डिज़ाइन करना है, एंड कैसे आपका यूट्यूब चैनल का आर्ट डिज़ाइन करना है, तो पूरा मैं इन फ्यूचर में बता दे दूंगा। आप अगर डिमांड करते हो, कमेंट करते हो, तो मैं पूरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है गाइस। एंड प्रॉपर लोगो देख सकते हो, मैं प्रेजेंटेशन बनाया हूँ कितना सुंदर तरीके से, कितना ईजी एंड वे है समझने में इसका, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैं कैनवास ही बनाया, ठीक है, ये देख सकते हो, मैं canva.com पे हूँ अभी। तो प्रेजेंटेशन मैं इतना अच्छा बना सकता हूँ, तो गाइस मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि कैसे आपका जो लोगो है वो बनाना है, मैं आपको मतलब पूरा तरीके से सिखा दूंगा।